सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम आ क्या कर रहे हो तुम? जस्ट आ स्टॉप इट। बोल रहा था ना आरव, शायद आरव वो आया यहाँ पे और पता नहीं मैंने चिल्लाया तो वो खिड़की से भाग गया। लेकिन आरव यहाँ क्यों आएगा और इस तरह से उसे भागने की क्या जरूरत है? वो भी चोरों की तरह खिड़की से? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बोधी। कोई गड़बड़ नहीं है मितुल, मैं बात करती हूँ सिक्योरिटी से। जब देखो तब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अन्या कहाँ खोई भी हो? और वैसे भी इतना कम खाती हो तुम। मैं जूस देती हूँ। जूस पियो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काटती हूँ। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरे और सिद्ध के रिश्ते को लेकर। जिस तरह घर से हम यहाँ आए हैं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ सिडनी ने अभी तक अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं किया। बहुत कोशिश की मैंने रागिनी दी को और सिड को अलग करने की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो गई। लेकिन माँ अगर रागिनी दी को ये पता चल गया कि ये बच्चा सिड का नहीं किसी और का है, माँ फिर क्या होगा? अन्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तुम्हें याद है मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिद्ध और रोशनी को एक साथ मिलने कभी नहीं दूंगी, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सो डोंट वरी एंड प्लीज अभी ना तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए इस वक्त। एंड आई विल मेक श्योर कि सिद्ध और रोशनी एक साथ कभी ना। चल मैं अपील करती हूँ मारी। सिद्धार्थ हम टाइम पे पहुंच तो जाएंगे ना? डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। आई होप तुमने रिया को बता दिया हम कौन है और क्यों मिलने आ रहे हैं। रोशनी आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। अबे ओए देख के नहीं चलता क्या? अबे हटना। ए? तो पी के आ रहा ऊपर से नाटक कर रहा है। हां देखो ना भाई इसको चल देख। क्या हो रहा है? हां अरे सड़क क्या बकवास है? कैसे अजीब किस्म के लोग हैं ये लोग? सड़क के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। सिद्धार्थ क्या हुआ? ये तो वही लड़का है, ये आरव है सिद्धार्थ, वो आने का फ्रेंड। तुम्हें पता है ये कल घर में घुसाया था और मैंने अगर इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो ये मुझे धक्का देके भाग गया। ये घर भी आया था? ये डेफिनेटली आने को ढूंढते हुए आया था। इस कमीने की कुटाई मेरे हाथ से ही लगी है। आरव कौन हो तुम? मेरा मेरा रास्ता छोड़ो। बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ इतनी मार मारूंगा ना देख, अगर जाएगा नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा, समझा? तू आरव है ना?
तूने ही आनिया की जिंदगी हराम कर रखी है, परेशान करता है उसका तू। बात सुन, दूर रह उससे। तू कौन होता है मुझे उससे दूर रखने वाला? हाँ, मेरे बच्चे से मुझे दूर रखने वाला तू कौन होता है? तू मुझसे दूर हो जा, समझा? नहीं जाता उससे दूर मैं। अबे कमीने, शर्म नहीं आती तुझे? वो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है और तू उसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, परेशान करता है उसको तू। अबे साले बेशरम, उसके बच्चे का बाप है तू, शर्म नहीं आती तुझे? अपना बच्चा गिराना चाहता है तू? बच्चा गिराएगा तू? मैं अपना बच्चा गिराऊंगा? अरे मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा हो, मुझे आने और अपने बच्चे के साथ रहना है, लेकिन वही मुझसे दूर जाना चाहती है। ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो, अचानक से वो बदल चुकी है, मुझसे मिलना तक नहीं चाहती वो। मुझे मुझे पैसे दे रही है कि मैं उससे दूर रहूं। कैसे? हाँ, कैसे भूल जाऊं, और ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली है। सुन लिया सब? और कुछ पूछना है? मारना है? देखो, मैं अपने बच्चे और आने से दूर नहीं जाने वाला, समझे? क्या बोल के गया है सिद्धार्थ? वो बच्चा इसका कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा बच्चा है ना वो? तो तुम्हारा और आन्या का बच्चा है, राइट? तो ये उसका फ्रेंड, मतलब तुम जानते थे आरव के बारे में? सिद्धार्थ, जस्ट से समथिंग। सिद्धार्थ, से चुप मत रहो प्लीज। सिद्धार्थ, वो बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारी और आन्या की शादी हुई भी है कि नहीं? तुम्हारी और आन्या की शादी हुई भी है कि नहीं हुई है? झूठ झूठ सिद्धार्थ, से समथिंग सिद्धार्थ। मतलब तुम्हारी और आन्या की शादी नहीं हुई है? आज तक हम सबको इतना बड़ा झूठ क्यों बोल के रखा सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, how dare you? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने मुझसे? तुम्हारे झूठ ने क्या कर दिया सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, just say something! तुम्हारे इतने बड़े झूठ की वजह से मैं तुमसे कितना दूर चली गई तुम्हें पता है? मैं तुम्हें जाकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकी सिद्धार्थ। तुम मुझसे कितना दूर हो गए? तुमने क्यों झूठ बोला? तुमने क्यों झूठ बोला? तुम्हारी और आने की शादी हो गई, क्यों झूठ बोला? वो बच्चा तुम्हारा, मैं तुमसे पूछती रही सिद्धार्थ। परिवार को ना सही, मुझे तो बता सकता था। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। अरे कौन सी जवाब यार, एक बार दो बार नहीं, हजारों बार तुम्हारे पास आया सच बताने के लिए। सुना तुमने? सुना नहीं? सुना ना, अब क्यों पूछती हो मुझसे तुम सब कुछ सुनाने के बाद? कौन सा झूठ? कब बोला है मैंने झूठ? तुम्हारी आंखें वो देखना चाहती है जो तुम उन्हें दिखाना चाहती हो, तुम्हारे कान वो सुनना चाहते हैं जो तुम उन्हें सुनाना चाहती हो। मैं क्या बोलता हूँ, क्या दिखाता हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच जानना चाहती हो? ये सच है यार, सच सुनना चाहती हो, ये सुनना चाहती हो?
कि मैं आने का पति नहीं हूँ? हाँ नहीं हूँ। ये सुनना चाहती हो कि उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है? हाँ नहीं है। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बचा लोगी हमारे रिश्ते को? नहीं ना, तो मत सुनो सच क्या है। अरे एक बार तो भरोसा करती मुझ पे, एक बार तो भरोसा करती, नहीं किया तुमने। और अब पूछने चले आई हो कि सच क्या है, कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे कहाँ का धोखा, कहाँ का झूठ, कौन सा देने में रखा है मैंने तुमको? मैंने हर बार अपनी खुशी के ऊपर तुम्हारी खुशी को रखा। मेरी खुशी तब भी तुम्हारे साथ रहने में थी, आज भी तुम्हारे साथ रहने में, लेकिन तुम्हारी खुशी कहीं और थी, इसलिए सच के साथ जीने का मैंने फैसला कर लिया। काश कि एक बार तुमने मेरी बात सुनी होती, सिर्फ एक बार। लेकिन नहीं, तुमने सबकी सुनी। एक राह चलता आदमी तुम्हें कुछ कह दे और तुम उसकी बात मान लोगी, लेकिन अपने प्यार की, अपने सिद्धार्थ की, अपने रिश्ते तक को नहीं माना तुमने। ये सच है, हर बात पे तुम्हें सबूत चाहिए, हर बात का प्रूफ चाहिए। जो मिल गया प्रूफ, मिल गया सबूत, क्या कर लोगी? बचा लो ना हमारे रिश्ते को, बचा लो। नहीं बचा सकती तो भाड़ में गया सच। मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी के लिए नहीं किया। मैंने नींद से शादी अपनी खुशी के लिए नहीं की सिद्धार्थ। मैंने उससे शादी तुम्हारे और आने के रिश्ते को बचाने के लिए की थी, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा सकूं, ताकि तुम खुश हो सको। पर मैंने जब भी तुम दोनों साथ में देखा ना, तो हमेशा खुश देखा सिद्धार्थ। तुम्हारे तुम्हारे बच्चे के बारे में सुना तो मैं नहीं आ सकी तुम्हारे। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं की थी। मैं आई थी तुम्हारे पास सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे गले लग के रोना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर तुम्हारी माँ ने मुझे रोक दिया सिद्धार्थ, ये कहकर कि तुम्हारा आने के रिश्ते की कसम देके मुझे रोक दिया। तुम्हारे बच्चे की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी सिद्धार्थ, लेकिन ये सब झूठ था। हर किसी ने मुझे सिर्फ तुमसे दूर रहने के लिए कहा सिद्धार्थ। मैं लोगों की बातों में आ गई, मैंने कुछ नहीं देख पाई। नील मेरी खुशी नहीं है सिद्धार्थ, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैं क्या कर दिया, मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते को खत्म कर दिया सिद्धार्थ। तुम्हारा सिद्धार्थ से बहुत बड़ी गलती हो गई सिद्धार्थ, सॉरी। अब आंसू मत बहाओ, अभी आंसू बहाने को कोई फायदा नहीं है रोशनी। हमारा रिश्ता जो है आंसुओं से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। आन्या ने कुछ कहा तुमने सुन लिया, एंडी ने कुछ कहा तुमने सुन लिया, नील ने कुछ कहा तुमने सुन लिया, मेरी माँ ने कुछ कहा तुमने सुन लिया। जो मैं कहता रहा तुमने क्यों नहीं सुना? क्यों झुलस जाने दिया हमारे रिश्ते को आग में? क्यों? क्या है, क्या करूं मैं? एक जिंदगी है तुम्हारी, एक पति है, वहां से खींच के अपने पास कैसे ले आऊं तुमको? चलो भाई सुनो, वो कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है सिद्धार्थ और रोशनी के रिश्ते की यही किस्मत है। क्या कर सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं ना, लेकिन अगर ये हमारे रिश्ते की किस्मत है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे आसपास किसी रिश्ते की ये किस्मत ना हो। ये जो आग हमारे आजू बाजू जली है, इसमें सिर्फ हमारा रिश्ता नहीं झुलसा है, और बहुत सारे रिश्ते झुलसे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी यहाँ हमारे कंधों पे है, और उनमें से एक रिश्ता है आन्या और आरव, हमारी जिम्मेदारी है। फोन सिद्धार्थ, कभी तो मेरा फोन उठा लिया करो।
मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो रोशनी रोशनी करते रहते, जिस रोशनी में पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। कोई फिक्र नहीं, मुझे भी नहीं। कब से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ सिद्धार्थ, कहाँ हो? मैं आरव बोल रहा हूँ। आरव, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मैंने समझाया था ना मुझे दोबारा कॉल मत करना, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? हाँ ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। आरव, तुम पागल हो गए हो? ये मेरा ससुराल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो आरव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, उसके बाद कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं कहूंगा। देखो आरव, एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, सो गेट लॉस्ट। आरव, हेलो आरव, आरव ये आवाज, हेलो आरव, आरव मुझसे बात करो, हेलो आरव। ओ शिट, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो ना आरव, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? देखो आरव, तुम्हारी आन्या तुमसे मिलने आई है, आरव उठो ना आरव। क्या हुआ आन्या? अब आंसू की बहारी हो तुम, यही तो चाहती थी तुम कि आरव हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाए। लो चला गया, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, को कभी छोड़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रही थी जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। भूल गई थी मैं कि आप सिर्फ रागिनी दी से प्यार करते हैं। मैं इंसान को तकलीफ पहुंचा रही थी जो मुझ पे जान छिड़कता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे माफ कर दो आरव, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी आरव। अरे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी आरव। आरव, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? थैंक गॉड। इडियट, क्या था ये सब? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं मर जाती आरव। आई लव यू आरव, आई लव यू, आई लव यू टू। आन्या, तुमसे कई गलतियां हुई हैं, कुछ बहुत बड़ी भी हुई हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में गलतियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है, और ये लड़का आरव, ये तुमसे बहुत प्यार करता है आन्या। I'm sorry sir, मैंने आपके साथ बहुत बहुत गलत किया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। देखो आन्या, जो हो गया सो हो गया, अगर तुम मेरे लिए रोशनी के लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो बस एक अच्छी जिंदगी जियो आरव के साथ।
मैं जानती हूँ अकेली थी, मैंने सबसे ज्यादा गलत आप ही के साथ किया। एक ऐसे इंसान को आपसे छीनने की कोशिश की जिससे आप इतना प्यार करते। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी। सॉरी आने कोई फायदा नहीं, आने रहने दो। प्लीज मुझे माफ कर दो थी। I'm sorry. सॉरी डॉक्टर। मुझसे गलती हो। लेकिन मुझसे एक और गलती हो गई। और क्या किया तुमने? क्या हुआ है?